उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से भगवान जगन्नाथ जी बहुत अच्छे से दिखते हैं भाई। इंसान और पुत्रिया दोनों लोग बहुत ही तेज काटते हैं भाई, दोनों का असर बहुत देर। 12 महीने में 13 यात्रा चलता है, फेमस यात्रा रथ यात्रा। एक बार जगन्नाथ जी का नारा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अभी जस्ट भाई मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है और सबसे अच्छी किस्मत यह है कि भाई अभी सूर्यदेव जी आ चुके हैं तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ठीक सामने देख रहे हो क्या है मेरे सामने, ठीक सामने जगन्नाथपुरी जी और उसके जस्ट पीछे भाई सूर्यदेव जी भी। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो देखते हैं कैसा है। और बिना किसी की हेल्प से ही हम लोग जा रहे हैं, तो दर्शन वर्शन कैसे होते हैं देखते हैं। और भाई मार्केट देखो ना, क्या प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब एक चीज़ का तो भाई मुझे देखने को मिला है, दिल बड़ा होना चाहिए चाहे दुकानें कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो यही चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें बट दिल बहुत बड़ा है उन लोगों का यार बहुत। और ये देख रहे हो भाई पुत्रिया लोग, इन लोगों से मैं बहुत दूर दूर रहूँगा। इंसान और पुत्रिया दोनों लोग बहुत ही तेज़ काटते हैं भाई, दोनों का असर बहुत देर में पता चलता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में, तो जस्ट मेरे पीछे देखो तो यहाँ पे भाई आप लोगों को अपना फ़ोन और अपना शूज और जो भी चप्पल है वो जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी के अंदर भाई फ़ोन भी अलाउड नहीं होता और शूज कुछ भी अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट एरिया है, मतलब यहाँ पे आपको निःशुल्क में रखे जाएंगे, बस काउंटर से आपको टोकन लेना है और अपने शूज और मोबाइल यहाँ पर रखना है। देख सकते हो आप लोग यहाँ से एंट्री है और वहाँ से एग्जिट है, मतलब लेने का है। और जस्ट उसके पीछे भी कुछ प्राइवेट शॉप है, वो जल्दी चाहिए टाइम पे, तो कुछ प्राइवेट शॉप्स भी हैं तो वहाँ पे भी आप अपना सबमिट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 10 रुपये चार्जेज है शूज का और 20 रुपये फ़ोन का चार्जेज, मतलब एक फ़ोन पे आपको 20 रुपये चार्ज पड़ेगा और अपने स्लीपर रखने का 10 रुपये चार्ज। तो हम लोग सबमिट वबमिट तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग बाहर से घूमते हैं देन दर्शन अंदर जाके करेंगे। ये पहले बाहर का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से भगवान जगन्नाथ जी बहुत अच्छे से दिखते हैं भाई। तो ये यहां का पॉइंट है, मतलब जहां पर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोज अंदर तो खींच ना सकते हैं, तो यहीं से देख सकते हो आप। और उसके जस्ट टॉप पे देख रहे हो भाई, उसके जस्ट टॉप पे सुदर्शन चक्र, मतलब जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी का अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम जी के साथ। तो इंडिया में ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ नहीं, अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम जी के साथ है। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ धाम है, चारों युग से बड़ा धाम जगन्नाथ धाम है। रामेश्वर चारों युग में मुख्य धाम है, चारों धाम है रामेश्वर बद्रीनाथ द्वारिका जगन्नाथ। भगवान रामेश्वर में नहाते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं, द्वारिका में शयन करते हैं, राज करते हैं। ये ऐसा जगह है, भगवान ने नीला किला साफ किए हैं चारों युग में, सत्य से लेकर सत्य द्वापर तृतीया कली चार युग का सरा यहाँ चलता है भगवान का। वह ये भाई बहन का मंदिर है, सारी जगह में जोड़ा का मंदिर है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा भाई बलराम जी है, छोटा भाई जगन्नाथ जी है, उषा बहन सुभद्रा है, ये भाई बहन का मंदिर है। और ये जो तीनों भगवान विराजमान है, ये जो शंकर भगवान बलदाव जी, जो शंकर भगवान जी है, जो सुभद्रा माता ब्रह्मा जी है, जो जगन्नाथ जी विष्णु जी का अवतार है, किंतु कली युग में मरते में जन्म ले लिए हैं, जो मर्त्य में बैठे हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी का पूजा नहीं है, ब्रह्मा बहन रूप में पूजा होते हैं, सुभद्रा रूप में, इसीलिए भाई बहन का क्षेत्र है। और वहाँ जो 12 महीना में 13 यात्रा चलता है, फेमस यात्रा रथ यात्रा, भगवान दोनों यात्रा से निकलते हैं, भाई बहन की यात्रा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लाके भगवान की मंडप ऊपर आएंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर तक रथ चलता है जनकपुर तक, 9 दिन के लिए जाते हैं जन्म माटी में जहाँ पर जन्म लिए थे भगवान ने, फिर उल्टो रात आने के बाद यहाँ 3 दिन रास्ता का रूप में रहते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं दर्शन, तो उससे पहले एक बार जगन्नाथ जी का नारा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो चलते हैं अंदर दर्शन करने, देन उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि अंदर तो भाई आपको पता है कि वीडियो अलाउड नहीं है, दर्शन वर्शन करके मिलते हैं आप। यहाँ पर आप लोग अपने शूज और अपना फ़ोन वोन सब कुछ रखना पड़ेगा, तो हम लोगों ने रखवा दिया है। यहाँ से एंट्री गेट और यहाँ से अंदर आपको फ़ोन वोन कुछ भी अलाउड नहीं होगा, सिर्फ आपको नंगे पांव जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा ट्रैक है, मतलब समझ रहे हो, पूरा पाथ है, बीच बीच में बैरियर लगे हुए,
एक बैरियर जाएगा, दूसरा बैरियर छूटेगा, ऐसे ऐसे करके भाई व्यवस्थाएँ की है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जहाँ ये लोग हैं ना, ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ये रास्ता एग्जिट का है। हम लोग एग्जिट के रास्ते पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा जो ये स्तंभ है, ये है अरुण स्तंभ। जब एंट्री होगी ना तो सबसे पहले आपको इस स्तंभ को ही छू के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप लोग, छू के जाएंगे, देन उसके बाद भाई आपको अंदर जाके एक दो गरुड़ जी दिखेंगे। तो उस गरुड़ पे देख रहे हो आप लोग, दो गरुड़ जी दिखेंगे, तो वहाँ से भाई एंट्री होगी। देन आपको यहाँ से जाकर राइट मुड़ के तब एंट्री है, तभी जाके आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। ये अभी तक हमें बताया गया है। ये देखो भाई, सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ की व्यवस्था है, पूरी प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी चेक। तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर दिया है दोस्तों। ये है खाजा, खाजा तो खाजा तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक लग रहा है, दिखाओ तो भाई। टेस्ट अच्छा है, थोड़ा अलग सा टेस्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे स्पेशल मिठाई बोल सकते हो आप लोग। तो यही भगवान, तो यही भाई मिठाई होती है, तो यही प्रसाद होता है जो ले जाया जाता है घर पे। हम लोग ले जाएँ कि नहीं ले जाएँ? हम ले जाएंगे तो ये डैश हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहीं आना पड़ेगा, यहीं खाना पड़ेगा। तो यहीं पर टेस्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। हम लोग शंख लेने आते हैं। अभी हम लोग शंख लेने आए थे तो भैया ने देखा था क्या तगड़े तरीके से बजाया भाई। अब अर्जुन भाई ट्राई करेंगे। जय जगन्नाथ। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन। तो हमारी हो रही है अभी शॉपिंग भैया की दुकान से, और हम लोग देख रहे थे कुछ छोटा छोटा प्यारा था, क्यूट सा। तो भैया कितने का पड़ेगा ये? 120 का। तो देखो भाई 120। जय जगन्नाथ। कौन कौन क्या क्या है? जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र, अच्छा जो ऊपर से है सुदर्शन। अच्छा तो देखो भाई ये बलराम जी के साथ दर्शन किया सुदर्शन कर दो। अच्छा तो देखो क्या। तो हम लोग आए थे जगन्नाथपुरी और बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग की, और भैया की शॉपिंग। भैया क्या नाम है आपका? सोम्या। भैया है सोम्या। तो भैया के साथ सब्सक्राइब भी कराए तो भैया ब्लॉग में हो गया आप। भैया तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। और जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है भाई ने, देख रहे हो ये ले रखा है, सबके लिए ले रखा है। और इन सब ने भाई मेरे को इतना वो लूटा है। जय जगन्नाथ। और इन सब ने मेरे को इतना खतरनाक वो किया ना ब्लैकमेल, कि मम्मी को नहीं लेके गया तो गया। तो माता जी आपके लिए भी लेके आ रखे हैं, बहन के लिए लिया है, सबके लिए लिया है। ये भाई सबके बस लगा, हम तीनों ने ले रखा है। तो फोटोज होंगी अब कुछ टाइम बाद। तो जय जगन्नाथ। उन्होंने ऑलमोस्ट शॉपिंग पूरी करी थी लेकिन प्रसाद छूट गया, तो प्रसाद लेने के लिए हम लोग रुके हुए थे। तो ये है प्रसाद। तो आंटी कितने का है प्रसाद? प्रसाद कितने का है? 20 रुपए का। और बड़ा वाला 50 रुपए का। तो 50 रुपए का बड़ा वाला और 20 रुपए का छोटा वाला। तो लेते हैं इनको। और यहाँ पे देखो क्या प्यारी प्यारी माला है। तो ले रहे हो माला, ले रहे हो तुम लोग? जैसे हम लोग दर्शन वर्शन शॉपिंग वॉपिंग की तो भाई बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। तो हम लोग आए यहाँ पे जूस कॉर्नर पे जूस पीने। और देख रहे हो भाई हमारे जूस माँ दक्षिण काली। किसी को भी उड़ीसा से आना हो ना, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ, तो आ जाना यार, हम लोग भी कर लेंगे व्यवस्था। जैसा आप लोग प्यार दिखा रहे हो वैसे हम भी दिखाएंगे आपको प्यार। सर कैसा है जूस भाई? एनर्जी आ गई पूरी बॉडी में दोबारा से। एनर्जी सर? यस सर। एनर्जी? एनर्जी बूस्टर। तो एनर्जी बूस्टर मैं भी लेता हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे। और आज का जो हमारा टोटली ओवरऑल डे था बहुत ही मस्त रहा, और जगन्नाथपुरी जी के दर्शन हो गए जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और ये दर्शन हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो साउथ ईस्ट साइड का ये कल्चर है ना, बहुत ही मज़ा है। और सबसे अच्छी जो उसकी कलाकृति थी ना अंदर की, वो बहुत ही अच्छी लगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भाई वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, कैमरा नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि जो हमारा कल्चर है, नेचुरल कल्चर है, वो नेचुरली होना चाहिए। आप अपनी आँखों से फील करो और अपनी आँखों से चीज़ को देखो। और सबसे अच्छा वो झंडे वाला वहाँ पे भाई आप लोग, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था जो चीज़ हमने फ़ोन में वीडियो में देखा था, वो हमने अपने आँखों के सामने देखा, तो जो फीलिंग थी हमारी ना, क्या बताएं, वो डबल थी, बहुत ज़्यादा। तो वो फीलिंग बहुत ही डबल है भाई। तो यही चीज़ें हम लोग दिखाना चाहते हैं, बट क्या करें, कुछ चीज़ें भाई बिना कैमरे की भी देखनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी है। तो यही आज का हमारा पहला दिन पूरा ओवरऑल ऐसा रहा।
और कल का हमारा प्लान नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही पॉइंट, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जरूर दबाएं। और भाई जी बहुत दूर से बोल रहे हैं भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, जय जगन्नाथपुरी। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आगे आया आके वे ना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे प्यारी।